डिंडोरी में देवदूत समिति गरीबों के लिए मसीहा बनी हुई है। यह समिति रक्तदान से लेकर गरीबों का अंतिम संस्कार भी कराती है। वहीं देवदूत समिति ने छत्तीसगढ़ की एक महिला के पति का अंतिम संस्कार भी कराया, जहां महिला ने अपने 4 माह के बच्चे को गोद में लेकर अपने पति का अंतिम संस्कार कराया। डिंडोरी में देवदूत रक्तदान समिति अपने अच्छे कार्यों को लेकर काफी चर्चित है। देवदूत संस्था के द्वारा लगातार जिला अस्पताल में रक्तदान किया जा रहा है, जिससे मरीजों की जान बचाई जा रही है। साथ ही यह समिति मानवता की सेवा करते हुए गरीब निर्धन लोगों के अंतिम संस्कार भी करा रही है। वहीं डिंडोरी जिला अस्पताल में छत्तीसगढ़ गौरेला का मरीज भर्ती कराया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी और बीते 2 दिनों से शव अस्पताल में ही रखा हुआ था, जिसके बाद इसकी सूचना मिलने पर देवदूत समिति ने शव के परिजनों का पता कर उन्हें इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मृतक की पत्नी और 4 माह के बच्चे को गोद में लेकर मुक्तिधाम में आकर शव का अंतिम संस्कार करवाया गया। साथ ही गरीब महिला और बच्चे को वन स्टॉप सेंटर में ठहराया गया, जहां कुछ समाज सेवियों ने महिला को नगद राशि देकर मानवता का परिचय दिया। मानव सेवा करने वाले देवदूत रक्तदान समिति की जिले में प्रशंसा की जा रही है। महिला कह रही कि मुझे कोई सहारा चाहिए, तो मैं वन स्टॉप सेंटर जाकर वहाँ पर रखा जाएगा और उनके रिश्तेदारों का पता करके उनको पुनर्वासित किया जाएगा। छाती में दर्द था, दीपावली से थोड़ा थोड़ा तबीयत खराब होता रहा, फिर ठीक हो जाता रहा, फिर हो जाता रहा, फिर छाती में दर्द होने लगा। फिर मैं ले आई अपने छोटी बहन के घर राम प्यारी पास चन्नपुर ने, उस समय वहाँ से वो सोची कि पेंड्रा ले जाओ, पेंड्रा नहीं जाने की हिम्मत हुई तो फिर डिंडोरी अस्पताल ले आई। उसके बाद फिर इंजेक्शन इंजेक्शन लगा, इलाज नहीं हो पाया, ख़त्म हो गया। मेरे को डॉक्टर सर बोले कि जाओ कार्ड वार्ड लेके आना, राशन कार्ड जो हरा कार्ड दिए बिलासपुर में उनको लेके आओ, फिर आगे पहुँचाएंगे जबलपुर या शहडोल। चली गई फिर मंगलवार को रात 11 बजे ख़त्म हो गए मेरे आगे। हमारा संगठन देवदूत रक्तदान परिवार है, ये जो है 2 सालों से कार्यरत है, और ये जो आज लवारिस लाश का हमको जानकारी लगी, इसका कोई नहीं था, इसका कोई नहीं होने के कारण हमारा देवदूत परिवार ने निर्णय लिया कि इसका अंतिम संस्कार हम लोग करेंगे। तो जन सहयोग के माध्यम से हमने इनका अंतिम संस्कार किया। मानकर जी का रहा चौकी प्रभारी, अस्पताल चौकी प्रभारी मानकर जी का भी विशेष सहयोग है इसमें, और दीपक जलाराम पेट्रोल पंप वाले दीपक भैया का भी विशेष सहयोग रहा इसमें। इसमें खुशी ही खुशी होती है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकता है कि हम किसी के अंतिम समय में साथ दे सकें। ज़िंदगी में तो आदमी साथ दे या ना दे बहुत बड़ी वो होती है, परंतु अंतिम समय में जो साथ देता है आदमी, उससे बड़ा परोपकार कुछ भी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। परिजनों की सूचना के लिए चौकी प्रभारी और हमारे द्वारा बहुत संघर्ष किया गया, तो तब जाकर के कहीं इनकी माता राम का पता चला। फिर इनकी बाद में इनकी पत्नी आई, फिर इन्होंने बोला कि हम अंतिम संस्कार में हमारे पास कोई हैसियत नहीं है, हमारे पास पैसा वैसा कुछ नहीं है, तो उनसे मिलकर के फिर उनकी सहमति से और अस्पताल चौकी की सहमति से हमने ये निर्णय लिया कि इसका अंतिम संस्कार जो है यहीं पर किया जाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।